जितनी अटैचमेंट्स उतना ही डर। अटैचमेंट हमारी किससे होती है, कभी सोचा है क्या? आपकी कभी काम से अटैचमेंट होती है या काम से जो मिलने वाला है उससे अटैचमेंट होती है? अगर काम से अटैचमेंट हो जाए तो क्या होगा? आराम से सोचो, किसी के अंदर भी पढ़ने का डर होता है या फेल होने का डर होता है? तो क्या हो आपको अगर किसी काम से प्यार हो जाए तो? There is no other way. Love is the only way. Where there is no fear, where there is love, there is no fear. हाँ, हम क्या करते हैं, लव को भी हमने जाकर के जोड़ दिया अटैचमेंट से। हम सोच रहे हैं कि लव होने के लिए अटैचमेंट होनी बहुत जरूरी है, जबकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं। Where there is attachment, there is fear. Where there is fear, there is no love. कड़वा लगेगा ये सब सुनने में। माँ बाप कहते हैं हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्या प्यार है? स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेस है या नहीं है उनके, प्रेशर है या नहीं है, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन पीछे से उनके पीछे प्रेशर क्रिएट कर रहा है? उनके माँ बाप, वो माँ बाप जो कहते हैं कि हम बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। अगर आप एक्चुअल में प्यार करते हो तो क्या कभी ऐसा करोगे? आप उनसे अटैच्ड हो जिसकी वजह से आपको डर है कि मेरा बच्चा अगर ये नहीं कर पाए तो क्या हो जाए? अगर आपको प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जा जो करना है कर। हाँ, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, मैं तो एक लेवल पे आ गया, तेरी पूरी की पूरी लाइफ आगे पड़ी है, जा अपना रास्ता खुद बना। आपको समझना पड़ेगा कि ये प्यार क्या है, अटैचमेंट क्या है। क्या अटैचमेंट प्यार है? जहां पर अटैचमेंट होती है वहां पर प्यार होता है। आप किसी इंसान से अटैच हुए पड़े हो बुरे तरीके से, क्या आप उसको जेन्युइनली प्यार करते हो? व्हाट इज लव? क्या प्यार कब्जा करना है? अटैचमेंट का मतलब ही कब्जा है। आई एम अटैच टू माई कार, क्यों? क्योंकि वो कार मेरी है, तो अब मैं उसको जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, तो बीवी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्यार है। ये प्यार ये है कि वो होना चाहिए जो उसके लिए सही है, वो नहीं जो मुझे लगता है कि उसके लिए सही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे किस बेस पे लगता है कि उसके लिए वो सही है? अपने अनलिमिटेड फियर्स के बेस पे, कि अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अगर एक्चुअल में आप फियर से पूरी तरह से फ्री होना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज लव, देयर इज नो अदर। इफ यू रियली लव समथिंग, लव डूइंग समथिंग, उसके लिए फिर अगर आपको टॉर्चर भी सहना पड़ रहा है तो वो टॉर्चर भी अच्छा लगता है। यानी कि अगर पढ़ना भी पड़ रहा है तो पढ़ाई भी अच्छी लगती है। अगर आपको उस काम से प्यार है तो